राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम स्वामीनारायण मंदिर के अंदर मौजूद है और यहाँ जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, आप कहाँ पर आए हो? चांपा मार। अच्छा, आज क्या है यहाँ पर? फंक्शन। कौन सा इवेंट है? जगन्नाथ यात्रा। अच्छा, आप एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो यात्रा जो है वो मंदिर के घूम रही है, तो मैं भी अब आ रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में यात्रा का, आपको भी दर्शन कराते हैं। क्योंकि आज जो है इंडिया में, ओडिशा में भी आज जो है वो जगन्नाथ यात्रा मनाई जा रही है, तो पाकिस्तान के अंदर आज दो जगन्नाथ यात्रा सेम डेज पे की गई। एक तो लियारी में हम गए थे और एक दूसरा ये स्वामीनारायण मंदिर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हम पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पर, आप देख सकते हैं जय जगन्नाथ। तो ये बैक साइड से मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो जगन्नाथ यात्रा निकल चुकी थी। तो वृंदावन वृंदावन चालो हे गोपीना, चल रहे हैं साथ साथ रथ के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। आप देख रहे हैं रात जो है वो तारें हटाई जा रही है क्योंकि ये डिस्टर्बिंग थोड़ी सी आती है, तो रात भगवान की विशेष कृपा से आज सब में भी निकाला गया है और आज हमारे स्वामीनारायण मंदिर में। नाम बताइए? हरे कृष्ण, जो जगन्नाथ यात्रा है इसके बारे में थोड़ा सा प्रभु बताएं। आज बहुत पावन दिन है जिसमें जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। आज तीन तीन चार चार जगहों पर जगन्नाथ रथ यात्रा की गई है। आज जगीवाड़ा मंदिर में भी लोगों प्रभु के वहाँ भी यात्रा की गई और नारायणपुरा में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया और नारायण में तीसरी रथ यात्रा है। आज का दिन बहुत पावन, बहुत अच्छा दिन रहा, हर दिन इंजॉयमेंट होता रहा यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप तमाम लोगों को ये जानकारी बड़ी खुशी होगी कि आज आषाढ़ की द्वितीया है, यानी कि बीज है। आषाढ़ के बीज वाले दिन ही जगन्नाथ जी का रथ निकलता है। आज ही के दिन जगन्नाथपुरी में भी आज के दिन 14-15 लाख लोग होते हैं और हम सबका परम सौभाग्य इस पाकिस्तान के अंदर, हम सबका परम सौभाग्य पाकिस्तान के अंदर आज आषाढ़ की बीज वाले दिन हम भव्य रथ यात्रा निकला। आप देख रहे हो जगन्नाथ जी के रथ, ये पब्लिक देख रहे हो आप, कितनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पब्लिक है। तो आज भी यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पब्लिक है। ऐसे बताया गया जगन्नाथ जी के दर्शन करने से, रस्सी को खींचने से, नाचने से वो भगवत धाम जाएगा। भगवत धाम जाने का मतलब ये कि उसके लिए भगवत धाम के द्वार खुल जाएंगे, उसके
भगवत धाम जाने के द्वार खुल गए तो उनको चाहिए कि भक्ति करे, सेवा करे, नाम जप करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, निश्चित भगवत धाम जाएगा। दर्शन करने से द्वार खुल गए, नाम जप करने से द्वार खुल गए, लेकिन अब पाप नहीं करना। अगर पाप करेगा तो डबल फल मिलेगा हमें संसार के अंदर। तो सबसे करवती प्रार्थना है, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, साधु का संग कीजिए, नाम जप कीजिए, खूब सेवा कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। और हम रवि लता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को हमारे सनातन धर्म के धार्मिक चीजें दिखाते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण, हरी बोल, हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की बड़ी कृपा है। अच्छा जी, दयालु है जगन्नाथ भगवान सबके लिए। देखो अपने मंदिर छोड़ के दर्शन देने निकलते हैं लोगों के जीवों के लिए, उनकी जो है सुख शांति हो, जीव का कल्याण हो जाए। वाजी भगवान, जय जगन्नाथ। आज वो नारा तो हो जाए महाराज, एक वो नारा तो आपका कुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए प्रवचन ना जाए। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत का जब पछताएगा जब प्राण जाएंगे। जी जी प्रभु, आज क्या कहना चाहेंगे? आज जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु, हम आपके सब्सक्राइबर, आपके डेली वीडियोस देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप बताएं आज की जो यात्रा है इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। आज अभी तो हम लोग अभी आया, अभी दर्शन अभी यात्रा करेंगे और भगवान को आनंद पाएंगे। हरे कृष्णा, बच्चों की और सबकी मनोकामना। वहाँ पे अभी अभी आए हम लोग। जी जी सही है। जी जी आया हूँ। अच्छा, आपको पता है आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज में भी जगन्नाथ में भी कराची पाकिस्तान में भी रथ यात्रा है। जबरदस्त है, आपको पता है? बिल्कुल जबरदस्त। आज भी रथ जाता था सुबह कभी, और आज भी अभी। थैंक यू। चले अपना अपना क्या, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। माय नेम इज सादेव, माय नेम इज भूमि, माय नेम इज सुहा। अच्छा जी बेटा, आप ये बताया आज जगन्नाथ यात्रा में आप लोग आए हैं स्वामीनारायण मंदिर में, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। आज आपको पता है इंडिया में उड़ीसा में भी आज जगन्नाथ यात्रा निकल रही है सेम डेज, कैसा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम इंडिया में जगन्नाथ यात्रा को अटेंड कर सके, और सबको मिलना चाहिए। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुभद्रा जागृति जय हो। बहुत 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 धन्यवाद। हरी बोल। अच्छा जी, गौशाला भी हमारे पास यहाँ है स्वामीनारायण मंदिर के अंदर, तो किसी प्रकार का भी दान अगर गौशाला का देना हो तो आप यहाँ आके दे सकते हैं। तो अभी कुछ गायें माताएं हमारी विश्राम कर रही हैं, और दो जो है वो हमारे कुछ भक्त हैं जो उनको दे रहे हैं, पिला रहे हैं पानी, तो पानी पी रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। भगवान की दुआ है सबको भी अच्छा लगे। कृष्ण भगवान का जन्मदिन होता है, ये सब खुशियाँ बनाते हैं और सब लोग अपना मिलजुल के इतना इन्जॉयमेंट करते हैं, भगवान को बड़ा अभिनंदन करते हैं। ये खुशी सबके मिलजुल के और सब इस परिवार में पाकिस्तान में सब खुश हुए। जय श्री कृष्ण। हाँ बेटा, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? प्रियांश। प्रियांश, आप कहाँ आए हो आज? बोले जगन्नाथ यात्रा में आए हो आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अच्छा लग रहा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे किसी को, कुछ बोलना चाहेंगे? भगवान करके खुश है। चलो ठीक है, बहुत जबरदस्त। जय कृष्ण भगवान।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। देख रहे हैं आप लोग, ये पानी की शरबत की सेवा भी चल रही है। सारे सेवादारी भरपूर तरीके से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है। हेलो, कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? अजय। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? आज जगन्नाथ जाते रहे तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, जबरदस्त मजा आ रहा है ना, आनंद भी आ रहा है। ठीक है, जय जगन्नाथ। अच्छा, आप बाहर यात्रा में भगवान की विशेष कृपा होती है, हमें मिल जाते हैं। तो आज की जगन्नाथ यात्रा में भी आप हमें बताएं, कुछ बोलना चाहें आज के विषय में? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का, माताओं का, जो सभी अपना कीमती वक्त देकर यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथी को खींच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जय जगन्नाथ। बहुत सागर करने के लिए भगवान जगन्नाथ सुभद्रा मैया ये अपनी दया देने आते हैं, और इसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों पे दया करें, ताकि वो अपने भव सागर से पार कर सके अपना बेड़ा, रथ की रस्सी को खींच के। जबरदस्त, हरे कृष्णा, हरे पकड़ भगवान। हमारे भगतों ने देखिए रथ निकाला है और बहुत ही सुंदर बनाया है, हम दिखा रहे हैं आपको कि जगन्नाथ जी का। अच्छा, अच्छा ये डिजाइनर है, आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम रिवंश। हाँ, अच्छा ये आपने बनाया है? कितना दिन लगाया है आपने इसको बनाने में? कितने दिन लग गए बेटा बताओ? अच्छा जी, जय श्री राम प्रभु। कैसे हैं आप प्रभु? भगवान की दया है। अच्छा, आज आप भी रथ निकाल रहे हैं साथ साथ? बच्चा जो है छोटा, वो जिद कर रहा था। अच्छा, जबरदस्त। जगन्नाथ भगवान हमारे जो घर में है, इसको रथ में बिठा कर हम आउटसाइड भगवान को ले जाएं। जबरदस्त। तो आज आप फिर बहुत अच्छा किया, आप ओडिशा में भी आज जगन्नाथ यात्रा मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से, और आज जहाँ भी हम मना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो कुछ कहना चाहेंगे आज इस इतने पवित्र दिन के विषय में, कुछ आप कहना चाहेंगे? बस ये हम सबके भाग्य है, जितने भी लोग इस रथ में शामिल होते हैं उनके भाग्य होते हैं कि आज का दिन अगर हम भगवान की रथ की रस्सी की सेवा करते हैं, उसको खींचते हैं, उसके रथ से निकालते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो उसका आशीर्वाद सदा हम पे रहता है और हमें भक्तिभाव मिलता है, और भक्तिभाव मिलने के बाद फिर परमात्मा भी हमें मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे साथ भगवान की कृपा। अगली ओडिशा में, अगली जगन्नाथ यात्रा में जाना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, वहाँ की रस्सी खींचना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप ऐसी आशा रखते हैं? ऐसी आशा हमारी है बिल्कुल। चले भगवान, आप भगवान ने मौका दिया। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद थे प्रभु, जो स्वामीनाथ प्रभु भी हमारे साथ इंडिया में मौजूद थे, और आज हमने बड़ी प्रार्थना की है, तो हमारा ये सदन हमारा फिर से हम चाहते हैं कि 2025 में हम आज के दिन वहाँ मौजूद हैं ओडिशा में, और वहाँ जगन्नाथ यात्रा मनाएं। तो बस आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि हम वहाँ पहुँच सकें और रथ की रस्सी खींच सकें। धन्यवाद। ग्राउंड के दूसरे चक्कर के लिए गई है, तो हमने कहा थोड़ा सा आपको पंडाल दिखा दें। पंडाल बहुत भव्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, और कुछ पब्लिक इसमें बैठी हुई है, कुछ रथ के साथ जो है पब्लिक जो है वो घूम रही है। तो रथ निकल चुका है, रथ का सेकंड चक्कर लग रहा है। हमने कहा था एक सेकंड चक्कर के अंदर आके हम थोड़ा सा यहाँ का जगन्नाथ यात्रा का पंडाल आपको दिखाएं, कि पंडाल भव्य तरीके से सजा दिया गया है, और थोड़ी देर में रथ यहाँ आ जाएगा। कुछ एक भगवद गीता का जो है स्टॉल लगाया गया है, और आप देखते हैं सारी सनातन धर्म की हमारी किताबें शास्त्र हैं यहाँ मौजूद, और इसके साथ साथ ये जो है आप देख सकते हैं भगवान के लिए जो हमें ज़रूरत होती है अपने घर के अंदर, अगर आप मल्च सजाते हैं तो मल्च के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो यहाँ भी बड़े अच्छे तरीके से प्रभु बनाते भी हैं, हर साइज़ के हिसाब से आपको तैयार कर देते हैं। इनकी एक ख़ास वीडियो हमने बनाई है, वो जो हम अब अपलोड करेंगे, तो इनकी शॉप भी है वो न्यारी में है, तो आप देख सकते हैं कि क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा। Thank you.
हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। पाकिस्तान से वो प्लीज ऊपर आ जाए और अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करें। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु हरिदास प्रभु के पुत्र, लक्ष्मीपति प्रभु, जनार्दन प्रभु, नयग्रीवदास, राधा रमन, उन सब भक्तों से विनती है। और अगर दुष्यंता प्रभु भी आए हैं तो वे ऊपर आ जाए। राम सखा प्रभु से विनती है ऊपर आ जाए। जय जगन्नाथ। जोर से हरे कृष्णा। ऊपर साउंड वाले से जगन्नाथ यात्रा जो है संविधान मंदिर में
मनाई जा रही है और लोग जो है अभी भी आ रहे हैं काफ़ी, और अंदर मैंने आपको दिखाया कि सारा जो है भर चुका है ग्राउंड, जो हॉल था वो भव्य तरीके से भर चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं स्वामीनारायण मंदिर के अंदर भव्य तरीके से लोग आते हैं, इसमें इवेंट्स करते हैं बहुत ज़बरदस्त। हाँ भाई कहाँ है राधा और किशन, कौन है आप? राधा है किशन है, कौन सा अभी क्यों गेटअप है आप लोग का, क्या गेटअप क्या आज, क्या स्टोरी जरा सा थोड़ा सा बताएं। नहीं असल में मैं जा रहा हूँ इसलिए आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, अगर थोड़ा सा आप लोग बता दें। नहीं अभी ज्यादा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है बहुत, थोड़ा सा बताए क्या क्या कहानी है आज की थोड़ी सी। अच्छा जी, तो उनके जो दोस्त है उनको राधा रानी से मिलवाएंगे। अच्छा जबरदस्त, चले भगवान आप लोग आपके कामयाब करे, ठीक है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आप सबको, ये पूरी टीम जा रही है। अच्छा जी, ये जो है स्वामीनारायण मंदिर और अब हम जा रहे हैं, तो सब भक्तों को आज की शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई, क्योंकि जो भी हम आपको बताते हैं कि स्वामीनारायण मंदिर में जो भी प्रोग्राम होते हैं बहुत भव्य तरीके से हम करते हैं, बहुत अच्छी यहाँ की मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से जो भी कार्य होते हैं उसको संपूर्ण तरीके से करती हैं, और प्रसाद का भी बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया जाता है, प्रसाद भी बहुत अच्छा खिलाया जाता है स्वामीनारायण मंदिर के अंदर, तो काफ़ी पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जो भी इवेंट्स होता है उसमें शिरकत करते हैं, तो हम भी आज इसमें शिरकत करें, और हम असल में थोड़ा सा थक गए थे तो इसलिए मैं निकल रहा हूँ अभी, जितना हो सकता था मुझे इसका प्रोग्राम बनाया, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग के कमेंट्स बताएंगे कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, तो जुड़े रहिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ, भीड़ है, मेन रोड है।